अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको YouTube चैनल वेरीफाई करने का तरीका बताऊंगा। अगर आपने भी YouTube का न्यू चैनल आपने स्टार्ट किया है तो आपको इसे वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप YouTube चैनल वेरीफाई नहीं करेंगे तो आप अर्निंग नहीं कर सकते, यानी आप YouTube से पैसे नहीं कमा सकते। तो जरूरी है कि आपने अपना YouTube चैनल वेरीफाई करना होगा, और जब तक आप अपने YouTube चैनल को आप वेरीफाई नहीं कर सकते तो आपके सामने ये जो कुछ फीचर्स आ रहे हैं YouTube के, आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है, आप देख सकते हैं वीडियो लॉन्गर देन 15 मिनट्स, यानी आप 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो आप अपलोड नहीं कर सकते। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है कस्टम थंबनेल्स, यानी आप अपनी मर्जी का थंबनेल भी आप अपनी वीडियो पर नहीं लगा सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है लाइव स्ट्रीमिंग, यानी आप लाइव स्ट्रीमिंग भी आप नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह फोर्थ ऑप्शन है अपीलिंग कंटेंट आईडी क्लेम्स, यानी अगर आपकी वीडियो में कोई मसला वगैरह आ रहा है तो आप उसके लिए अपील भी नहीं कर सकते हैं। तो अब आप ये तो जान चुके होंगे कि YouTube चैनल को वेरीफाई करना कितना जरूरी है, तो आपको मैं वेरीफाई का तरीका बता देता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अपना यूट्यूब चैनल वेरीफाई करने के लिए आपने ये गूगल क्रोम ब्राउजर आपने ओपन कर लेना है, और इसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो फिर आपने यहाँ से अपनी YouTube आपने ओपन कर लेनी होगी। तो इस जगह पर आपके चैनल का आइकन आपको शो हो रहा है, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है, और इसके बाद आपने ये योर चैनल पर क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों आपने ये कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर लेना है। तो अब आपके सामने ये आपका चैनल कस्टमाइजेशन वाला जो ऑप्शन है ये ओपन हो चुका है। तो आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपको ये मुख्तलिफ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डैशबोर्ड, कंटेंट, प्लेलिस्ट। तो इसमें ये लास्ट में आपने आ जाना है, ये जो ऑप्शन है सेटिंग्स। तो आपने यहाँ ये सेटिंग्स पर आपने क्लिक कर लेना है। तो आपने सेटिंग्स पर जैसे ही क्लिक किया तो कुछ मजीद ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें ये जो सेकेंड ऑप्शन है चैनल, चैनल पर आपने क्लिक कर लेना है। और इसके बाद आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, बेसिक इन्फो, एडवांस सेटिंग, और जो इसमें ये तीसरा ऑप्शन है फीचर एलिजिबिलिटी, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पर ये ऑप्शन आप देख सकते हैं फीचर दैट रिक्वायर फोन वेरिफिकेशन, तो इस ऑप्शन पर आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। और अब आपके सामने ये ऑप्शन आ चुका है वेरीफाई फोन नंबर, तो आप इस पर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर अब आपको आपका जो मोबाइल नंबर है उसके जरिए आपको अपना YouTube चैनल वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन मौजूद हैं, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपने चूज कर लेना है, यानी आपके मोबाइल नंबर पर पिन कोड आना चाहिए। तो इस सूरत में आपने ये फर्स्ट ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल नंबर पर कॉल आनी चाहिए तो उसके लिए आपने ये सेकेंड ऑप्शन आपने चूज करना होगा। और इसके बाद आपने यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करना है, यानी आपने जो मोबाइल नंबर आप टाइप कर रहे हैं वो कंट्री का नंबर है। फिर आपने यहाँ पर वो मोबाइल नंबर आपने टाइप कर देना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद फिर ये गेट कोड पर क्लिक कर दें। तो आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, वो आप यहाँ पर टाइप कर दें और फिर ये सबमिट पर क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा आ चुका है फोन नंबर वेरीफाइड। तो अब आपका YouTube चैनल वेरीफाई हो चुका है, और आप YouTube के तमाम फीचर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और आप YouTube से अर्निंग आप कर सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसी तरह की मजीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।